हाय गाइस, सो आप अगर ढूंढ रहे हो एक बजट प्री ओन्ड एसयूवी तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये है पजेरो की SFX 4x4। लास्ट तक के बने रहिएगा, ये गाड़ी सेल के लिए है इंडियन मोटर्स पे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज अभी स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। तो आप फ्रंट में देख सकते हो मित्सुबिशी का लोगो है रेड कलर में। तो ये मर्सिडीज जैसे पैटर्न में आता है लेकिन बहुत अलग है, उसका भी ऐसा तीन ही आता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो क्रोम ग्रिल मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा ओपन ग्रिल नहीं है, यहाँ से पैक ही है ऑलमोस्ट, यहाँ से वेंट दिया हुआ है नीचे से और यहाँ पे ऐसे कुछ क्रोम की ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना बड़ा, यहाँ पे डिफ्यूज़र टाइप की ट्रीटमेंट है नीचे में। और टायर देख सकते हो आप, टायर भी अच्छी खासी कंडीशन में है चारों ही। और यहाँ पे आपको नीचे में फॉग लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेलोजन मिल जाएगा और यहाँ पे आपका इंडिकेटर वगैरह वो सब मिल जाएगा और ये पार्किंग लाइट मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको एक वेंट मिलेगा जो कि इंजन को ठंडा करने का काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप वाइपर मिल जाते हैं, बहुत बड़ी हाइट है गाड़ी की। और यहाँ पे आप क्रोम में ये देख सकते हो रियर व्यू मिरर, तो ऐसे कुछ होंगे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आपका गाड़ी खुल जाएगी आराम से। और आवाज़ सुनिए गाड़ी का एक बार, आए हाय। तो साइड में पजेरो लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी हाइटेड है तो ये आपको दिया गया है नीचे। एंड टायर में अगर हम आएंगे तो ये देखिए ऐसा कुछ इसका टायर है, MRF के टायर लगे हैं चारों, और चारों ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है। बीच में आपको मित्सुबिशी का लोगो और अलॉय व्हील्स चारों इसमें मिल जाएगा, डिस्क भी आपको चारों इसमें मिल जाएंगे। और टायर साइज़ की बात करेंगे तो चारों टायर साइज़ है 265x70 R15 इंच। और यहाँ पर आ जाएंगे तो रियर में आपको टेल लाइट सेक्शन मिल जाएगा, इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी पैक करी हुई पजेरो की स्टेपनी मिल जाएगी इस कार की। यहाँ पे भी आपको वाइपर मिल जाएगा रियर वाला, और यहाँ पे ये डीफॉगर लगा हुआ है, अगर आप बारिश में गाड़ियाँ चलाते हो तो ये लाइन्स जो है वो गर्म हो जाती है डीफॉगर ऑन करने से, और उससे पूरा फॉग जो है निकल जाता है। और यहाँ पे 4x4 दर्शा रहा है कि आपको अगर कभी ऑफ रोड कर रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, लद्दाख हो गया, मनाली हो गया, ये सब साइड और कई ऐसी साइड में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब काम में आने वाला है। 4x4 मतलब फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है, मित्सुबिशी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी से नहीं आता है। और इसके नीचे लाइट्स लगी हुई है और यहाँ पे देख सकते हो आप टोइंग हुक दी गई है पीछे में। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको रेयर व्यू कैमरा भी मिल जाता है, और इसका मैं अंदर जाके आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि ये कैमरा वर्क कहाँ पे करता है और इसकी स्क्रीन दिखती कहाँ पे है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आपका डीजल पेट्रोल का जो है यहाँ से खुल जाएगा आराम से, और लेफ्ट साइड में भी सेम पजेरो की ब्रांडिंग है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, मोस्ट सेक्सीएस्ट पार्ट ऑफ द गाड़ी इज इसका कॉकपिट। तो ये ड्राइवर का कॉकपिट बहुत ही जोरदार मुझे लगता है, और ये वुडन जो वर्क होता है ना, ये वुडन वर्क मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, चाबी लगा देता हूँ इसकी, यहाँ से आपकी की हो जाएगी, ये मैंने ऑन कर दिया है। और अभी मिरर्स चढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिक मिरर्स मिल जाएंगे आपको चारों के चारों, और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी थोड़ी देर में, अभी अनलॉक है, थोड़ी देर में लॉक हो जाएगी। तो देख सकते हो आप ऐसी कुछ गाड़ी है, 1,00,000 किलोमीटर चली हुई है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको RPM मीटर दैट इज टैकोमीटर वो मिल जाएगा, ये देखिए आया आवाज़, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील मिलता है और हॉर्न ऐसा कुछ है इसका। यहाँ पे आपको वाइपर के इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका AC वेंट है, यहाँ पे भी आपका AC वेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका क्लॉक दी गई है जिसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें गाने वगैरह बजते हैं। तो साउंड गाड़ी का है ना बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, और अगर आप फैमिली के साथ घूमते हो ना यार, तो 7 जन की आपकी फैमिली है तो ये कार आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें 7 जन आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे एयर बैग दिया हुआ है और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स दिया गया है जिसमें कि एक डायरी रखी है, फिलहाल आपके किसी काम की नहीं है वो, क्योंकि हम वो देने नहीं वाले हैं। और यहाँ पे भी AC वेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का लीवर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको मिरर का कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे आप हैंड ग्रैब करके बैठ सकते हो, वहाँ पे आपका वो जो पुरानी मारुति में आता था ना वैसा है, वो ऊपर नीचे होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ पॉकेट वगैरह कुछ दी नहीं गई है। और अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये गाड़ी मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे ये इसके गियर्स आ गए, और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये एक और इसका गियर है जो कि आपका फोर व्हील ड्राइव को कन्वर्ट करता है। अगर आपको टू व्हील चाहिए टू व्हील, फोर व्हील चाहिए फोर व्हील, आगे के दो या फिर पीछे के दो, कुछ भी आप टायर्स मतलब इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हो, कौन सी ड्राइव आपको चाहिए।
और नीचे पजेरो लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो आप एक सिगरेट लाइटर दिया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। और यहाँ पे ये लॉक करने का दिया हुआ है, ये भी पता नहीं मुझे किस चीज़ का है, इसमें शायद आप कुछ रख के लॉक कर सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस चीज़ का काम करता है। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एक सिगरेट लाइटर मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या है तो ये ऐश ट्रे मिल जाएगा यहाँ पर आपको छोटा सा, जो कि स्प्रिंग से वर्क करता है। और इसको अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएंगे आपको नीचे, और इसको कर देते हैं बंद। और ये आगे होता है क्या? नहीं होता, ये इतना ही रहता है। और बाकी आपको ये स्क्रीन का बता रहा था मैं, तो ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे ब्लैक कलर की ऐसी स्क्रीन बनी हुई है, जो आपका रेयर का कैमरा चालू होगा ना तो वो इसमें ही दिखेगा, इतने से इसमें, मतलब इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी जगह नहीं ली है। तो इसको स्क्रीन मिरर बोलते हैं, या फिर स्क्रीन रेयर व्यू मिरर ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो ये आपको दिया गया, कितना औसम है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन जलेगी और नहीं जलना है तो अदरवाइज उसका ये काम करेगा मिरर का। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सन प्रोटेक्शन के लिए सन ब्लाइंड्स मिल जाएंगे, और ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा आराम से, और इसको कर देते हैं बंद। ये काफ़ी टाइट है यार। यहाँ पे ये लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको, लाइट थोड़े ऑर्डिनरी है, मतलब इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ओपन करने का, आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए होता है, ये शायद सन ब्लाइंड के लिए होता होगा एक्सटेंडर। और इसको अगर हम ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर। और ये सब तो हो गया आगे की चीज़, और ये सब कुछ मैंने बता दिया आगे का। अभी जाते हैं रेयर में, और रेयर का व्यू बता दें आपको कैसा है और आपको क्या मज़ा आने वाली है पीछे में। तो यहाँ से खुल जाएगी आपकी गाड़ी, और यहाँ पे आप पैर रख के आराम से मस्त रीच वाला फील लेके आराम से बैठ सकते हो। तो इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल। ओके, ये बंद हो गया। तो स्टार्ट करेंगे मेरे सीट से, आपको बहुत अच्छी खासी लेग रूम मिल जाती है, और मैं हूँ 5'7", तो आप हाइट का थोड़ा ये अंदाज़ा लगा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अनलॉक का लीवर मिल जाएगा, वहाँ पे भी वो सेम मिलेगा, यहाँ पे सेम मिलेगा, और गेट के दोनों साइड सेम है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शंस है, जो कि ये वाला एसी उससे काम करेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कूलिंग या फिर हॉट, जो आपको सूटेबल लगता है वेदर के हिसाब से, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा, और ये पैसेंजर रेयर पैसेंजर के लिए ये लाइट्स मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप हैंड ग्रैप करके आराम से बैठ सकते हो, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रिच फील देती है, और मैं ऐसा लग रहा है कितना ऊँचा बैठा हूँ। सामने बैठा था तो बहुत नीचे लग रहा था, लेकिन पीछे में बहुत ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई भी आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलेगा रेयर सेक्शन के लिए, हालांकि सीट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम रिच लग रही है मेरे को इसका लेदर देख के, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच लग रही है। एंड वहाँ पे भी सेमी लेग रूम है, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी दो जन आराम से बैठ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई सफोकेशन या फिर कुछ होने वाला है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी स्पीकर मिल जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेट है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये वाला स्पीकर, और वहाँ पे भी वो सेम। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ है रेयर सेक्शन, वहाँ पे भी एक लाइट मिल जाएंगे, यहाँ पे भी एसी के वेंट्स मिल जाएंगे दोनों साइड। तो ऐसी कुछ है पीछे से गाड़ी, और बहुत ही ज़्यादा रिच लगती है ना, ऐसा लगता है कि बैठ के रहो बस, और ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो अभी गाड़ी का प्राइस और मॉडल नंबर डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद वीडियो को करेंगे एंड। गाइस, प्राइस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा एसी ऑन कर देता हूँ, और गाड़ी का आपको आवाज सुना देता हूँ कि साउंड सिस्टम कैसा लगा हुआ है इसमें। बहुत ज्यादा साउंड है इसका। तो ये गाड़ी है 2010 की, सेकंड ओनर, और गाड़ी की प्राइस है 7,20,000 रुपीज। तो देख सकते हो आप, सोच सकते हो इस गाड़ी के बारे में, तो सोचिए कैसा आपको करना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, होप करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।